पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के एक मंत्री की बदजुबानी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राज्य के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय को आजादी के बारे में दो शब्द बोलने के लिए मंच पर बुलाया गया, लेकिन हाथ में माइक थामते ही मंत्री जी की जुबान मानो फिसल गई। मंत्री जी ने लोगों को मनोरंजन करने के लिए एक ऐसा चुटकुला सुनाया जो कांग्रेस के लोगों को नागवार गुजरा। सरदारों को देखकर एक चुटकुला याद आ गया, स्वर्ग में श्रीमती राजीव गांधी दोनों बैठे देश की तरफ देख रहे थे। अचानक राजीव जी देख के मुस्कुराए। इंदिरा जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों मुस्कुराए बेटे? बोले, नहीं कुछ नहीं। बोले, नहीं नहीं फिर भी बताओ तो सही, क्यों मुस्कुराए? बोले, मैं ये सोच रहा था कि सोनिया से शादी तो मिलेगी, किंतु भुगत रहा बेचारा मनमोहन सिंह। उद्योग मंत्री के चुटकुले को भद्दा मजाक बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने उन पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय साल से 365 दिन भत्ते माफ कीजिए भांग के नशे में धुत रहते, इसलिए वो क्या कहते हैं उन्हें खुद ही नहीं मालूम होता। प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी इन दिनों राजनैतिक अवसाद से क्षुब्ध हैं और उस व्यथा को वे कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने में भी बाज नहीं आ रहे हैं। यूं तो कैलाश जी 365 दिन भांग का सेवन करते हैं, मगर लगता है श्रावण मास में उन्होंने कुछ अधिक ही भांग पी ली होगी। कांग्रेस के निशाने पर आने के बाद शायद मंत्री जी को होश आया तो वो मीडिया के सामने सफाई पेश करते हुए नजर आए। देखिए, ये कार्यक्रम संगीत का है, मनोरंजन का है, और ये तो आराम से चुटकुले चलते रहते हैं, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं। अगर किसी को लग रहा है तो वो जाने उनकी बात है। मैंने तो न किसी का सम्मान किया, ना अपमान किया, अन्ना हजारे उनको तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा हूँ।